गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जल्दी से आज बहुत बेहतरीन शानदार क्लास में धांसू सर आपका स्वागत करता हूं। हिंदुस्तान के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टेट पर मैं प्यारे प्यारे बच्चा जल्दी से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थम्स अप करके आ जाइए जल्दी से जल्दी। जय श्री राम, जय महाकाल, जल्दी जल्दी। और मेरे को बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, एक बार थम्स अप करके वॉइस का बताइए क्या आवाज़ क्लियर आ रहा है, एक बार आवाज़ के लिए थम्स अप कर दीजिए। बहुत बेहतरीन ट्रिग्नोमेट्री के साथ हम बने हुए हैं, लगातार छठा क्लास ट्रिग्नोमेट्री का आपके सामने मेरे प्यारे बच्चों। और इसके बाद रात को 10 बजे आपके साथ में CHSL का पेपर, 9 बजे आज रात को 9 बजे के इस क्लास के बाद तुरंत 9 बजे आपके CHSL के पेपर का एनालिसिस करेंगे बेटा। हाँ भाई, जल्दी से जल्दी आ जाइए। जय श्री राम, जय महाकाल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्पीड के साथ लाइक और शेयर कर दो भाई, जल्दी से स्पीड के साथ लाइक और शेयर में देरी मत करिए। शाबाश 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 शाबाश, थम्स अप करके बताइए क्या मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, आवाज़ थम्स अप करके बताइए। शाबाश शाबाश शाबाश, वॉइस क्लियर तो थम्स अप कर दिया करो, ठीक है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश, जय श्री राम। देखो बेटा, हाँ, आज 9 बजे आपके CHSL के पेपर का एनालिसिस भी है जो आप मेरे नए चैनल इस चैनल पे होगा। ये 9 बजे है आज पेपर का, जो CHSL का आपका पेपर हुआ बेटा, आज जो तीनों शिफ्टों का पेपर है आज भैया, जो आपका पेपर हुआ ना CHSL का, जो पेपर हुआ CHSL का जो पेपर है उसका एनालिसिस, CHSL का जो पेपर है उसका एनालिसिस जो तीनों शिफ्टों में हुआ है, जो तीनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ, तीनों शिफ्ट में जो पेपर हुआ उसका एनालिसिस इस चैनल पे है। ये चैनल सब्सक्राइब कर दो, यहाँ पे CHSL का जो आज पेपर हुआ तीनों शिफ्टों में, पहली दूसरी और तीसरी शिफ्ट का जो एनालिसिस है मेरे बच्चे, वो इस चैनल पे होगा, ठीक बात है। ये आपका चैनल है स्पीड मैथ्स, इसको सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, ठीक है, क्योंकि आपका अपना चैनल है। स्पीड के साथ लाइक और शेयर करिए। आज गर्दा मचाएंगे थोड़ा सा, बहुत शानदार और धुरंधर एकदम जो, हाँ, आज बहुत एकदम धाकड़ क्लास लेकर आए बेटा, एकदम जो रिवीजन बैच आपका चला हुआ है, बहुत बढ़िया रिवीजन बैच आपका चला हुआ है। और एक साल की जो सब्सक्रिप्शन है 5400 रुपये की आपकी सब्सक्रिप्शन, जब हमारा कोड यूज करोगे धांसू सर, DHASU धांसू SIR सर। और उसके बाद ये रेलवे के लिए बैच चला हुआ, बहुत प्यारा शानदार बैच है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे खरीदा जाएगा ये पूरा प्रोसेस आपके लिए आपको पता है, अनअकैडमी आपको इंस्टॉल करेंगे, अनअकैडमी आपको इंस्टॉल जैसे आपका हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, SSC एग्जाम पे जाएंगे, दलवी नागर प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे, फॉलो करेंगे मेरे को जल्दी से। फॉलो करने के बाद हाँ, ये आपका फ्री और पेड बैच आ जाएगा। ये फ्री क्लासेस मेरी चलती हैं, पेड क्लास मेरा कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, सभी परीक्षाओं के लिए एक ही बैच है मेरा प्यारे बच्चों। हाँ, लाइक और शेयर कर दीजिए स्पीड के साथ। 31 वाला क्लास शुरू करेंगे अभी, थोड़ा सा वेस्ट, जस्ट वेट वेट, अभी उसको प्लान कर रहे हैं उसका, 31 वाला भी शुरू करेंगे। हाँ, उसको जल्दी शुरू करेंगे मेरे बच्चे। अब ये देखिए, एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका एक साल के लिए जो सब्सक्रिप्शन है मेरे प्यारे बच्चे, वो 5400 का कब है, जब आप मेरा ये कोड यूज करते हैं धांसू सर। आज बहुत धाकड़ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, देखिए एग्जाम में जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लाइक और शेयर करते जाइए भैया, ये क्लासें आपको मिलती हैं मेरे प्यारे बच्चों यूट्यूब पर, ये क्लासें आपको मिलती हैं मेरे प्यारे बच्चों अनअकैडमी पर, फ्री क्लासेज मेरी, और ये आपका लगाई हुआ है। जय श्री राम, जय महाकाल। फॉलो करें भैया, दलवी नागर नाम से मेरे को फॉलो करें, मेरा फॉलो करिए आप यूट्यूब पर, ये अनअकैडमी फॉलो कर सकते हैं। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से भैया, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, गोल्ड मिल चुका है भैया, आप लोगों के आशीर्वाद से गोल्ड मेडल दिया गया आज अनअकैडमी की तरफ से, ठीक है। आपने जो ये प्यार और ये जो शिद्दत से मेरे को जो मैराथन क्लास का जो प्यार आप लोगों ने मेरे को दिया, बार बार घंटे की जो हमने क्लासें की हैं उसके लिए आज हमें गोल्ड अवार्ड मिला है। तो सबसे पहले मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ अनअकैडमी की तरफ से, आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग जो मैराथन में मेरे को इतना प्यार देते हैं। और आपके लिए मैंने फिर बताया कि मैं दोबारा से कम बैक कर रहा हूं, 12 घंटे की मैराथन पूरी रात मेरे साथ, चिंता करने का जरूरत नहीं है, बस आप लोग ये प्यार और मोहब्बत देते रहिए, क्योंकि आपका प्यार और मोहब्बत मेरे अंदर जुनून और जज्बा पैदा करता है, इस बात का ध्यान रखिए। चलो भाई, आप सीधे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो बेटा, ये जो NTPC का ना, आज रात 9 बजे मैं फिर बता देता हूँ, ये रात को 9 बजे इस क्लास के तुरंत बाद 9 बजे जो क्लास होगी, 9 बजे आपका CHSL का जो पेपर हुआ है, जो CHSL पेपर जो हुआ है, जो CHSL का जो पेपर हुआ है, इस पेपर का जो एनालिसिस है, मैं 9 बजे इस क्लास के तुरंत बाद आप इस चैनल पे आ जाना, स्पीड मैथ्स आपका चैनल है, 9 बजे इस पेपर का एनालिसिस मैं यहाँ पे शुरू कर दूंगा मेरे प्यारे बच्चे, बहुत शानदार तरीके से। क्या क्या सवाल आया, तीन शिफ्ट होती हैं, पहली दूसरी और तीसरी, तीन पालियों में पेपर होता है, तीनों पालियों के पेपर को डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, 12-12 घंटे की वापस लेके आते हैं, चिंता मत करिए, मैं भी चाह रहा हूँ कि मेरा बच्चा 12 घंटे की क्लास को वापस कम बैक करें थोड़ा सा, मैं भी 12 घंटे की क्लास को बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, पर आपका प्यार है जो उसको दोबारा से कम बैक करवाएगा, चिंता मत करिए, हम उसको दोबारा से कम बैक करेंगे, ठीक है। चलिए, और ये देखिए ट्रिग्नोमेट्री, बहुत शानदार जानदार क्लास मेरे प्यारे बच्चों। और ये आ गया भैया आपका क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन नंबर वन से शुरुआत करते हैं, बिल्कुल नए टाइप का नया क्वेश्चन एकदम जो है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शानदार शानदार। और ये लीजिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत, और टाइमर जी के साथ, टाइमर जी आ जाओ भाई, टाइमर जी की बड़ी ज़रूरत पड़ती है, 30 सेकंड का नहीं 20 सेकंड का टाइम दूंगा भाई, 20 से 30 सेकंड का टाइम आपको, 20 से 30 सेकंड का टाइम, बहुत शानदार क्वेश्चन।
चलिए भाई जल्दी से, आप लोगों के प्यार ने जो दिया है भाई उसकी वजह से ये हुआ है। तो मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मैराथन हम कम बैक करेंगे 12 घंटे की। आपका प्यार था जो बार बार घंटे हमने मेहनत करी है, जो बच्चे सीएचएस के, बहुत बहुत धन्यवाद भैया आप लोगों का। बस वीडियो को ऐसे ही आप प्यार देते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए मेरे प्यारे बच्चों। आपके लिए दोबारा से 12 घंटे की शुरू कर दूंगा मैं मैराथन। सीएचएसएल का जिन जिन बच्चों का एग्जाम था भैया कमेंट करके जरूर बताया करो। 9 बजे आ जाना, मेरा जो चैनल है स्पीड मैथ्स, मैं उस पर एनालिसिस दूंगा पूरे 3 शिफ्टों में। देखो दिन में मेरा थोड़ा सा पेड बैच चल रहा है इसलिए मैं टाइम नहीं दे पाता, पर मैं शाम को 8 बजे आकर 9 बजे आके आपको पूरा एनालिसिस दे दूंगा। 9 बजे जो मेरा चैनल है स्पीड मैथ्स, चैनल का नाम है स्पीड मैथ्स, इस चैनल पर नहीं होगा, स्पीड मैथ्स चैनल पर होगा, पूरा एनालिसिस लेके जाइए। चलिए जय महाकाल जय श्री राम बोल दीजिए। बहुत बढ़िया शानदार एकदम जो है, देखो मेरे प्यारे बच्चों बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर। इतना टाइम नहीं देंगे बेटा, ये टाइम बहुत ज़्यादा, 1 मिनट देनी है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान 41/49। मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था आप लोगों को, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है पाइथागोरस ट्रिपलेट। ध्यान से देखिए, कॉन्सेप्ट का नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट। क्या नाम भाई कॉन्सेप्ट का? पाइथागोरस ट्रिपलेट, ठीक बात है कि नहीं है? कॉन्सेप्ट का नाम है पाइथागोरस ट्रिपलेट। पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है भाई? पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या कहता है? ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, सिंपल सी बात है, ठीक है? ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, ये आपका 20 है, ये आपका 21 है, समझ रहे बात को, और ये आपका 29 है। ये ट्रिपलेट है, 20, 21 और 29 का क्या होगा? ट्रिपलेट होगा, पाइथागोरस ट्रिपलेट। बहुत आसान और शानदार ट्रिक के साथ बताऊंगा पाइथागोरस ट्रिपलेट। नया स्टूडेंट है बेटा, मैजिकल कॉन्सेप्ट आपके लिए सिखा रहा हूँ। मैजिकल कॉन्सेप्ट है, परपेंडिकुलर हिंदी में लंब बोलते हैं, बेस को आधार बोलते हैं, हाइपोटन्यूज को कर्ण बोलते हैं। आधार, लंब और ये कर्ण, ठीक बात है कि नहीं है? अब मैंने लिखा सर यहाँ पे क्वेश्चन था मेरा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, मैंने इसको लिखा साइन थीटा। धांसू ट्रिक से चल रहा है, धांसू ट्रिक, ट्रिक से सिखा रहा हूँ बेटा, वैसा नहीं। वर्बली क्वेश्चन को कैसे उड़ा सकते हो, गर्दा कैसे उड़ा दोगे? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, ये धाकड़ क्वेश्चन है एकदम जो है, 41/29, बात को समझिए। साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस, मतलब लंब बटे करण, इसको लिख सकते हैं आधार बटे करण बराबर है 41/29, बात समझ पा रहे हैं? अब मैंने अगर लघुत्तम ले लिया इसका तो हाइपोटनियस नीचे आ गया, ऊपर क्या आ गया भैया? पी प्लस में बी बराबर हो गया 41/29। 29 क्या आ गया आपका? हाइपोटनियस, जिसको हिंदी में आप कहते हैं कर्ण, ठीक है? मैं हिंदी में लिख देता हूँ कर्ण, जिसको आप कहते हैं। भाई क्वेश्चन खत्म हो चुका है, सवाल में आपसे पूछा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका मतलब क्या हुआ? सवाल में कहा है आपसे पी माइनस बी अपॉन में एच, बात समझ पा रहे हो भाई? साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मतलब क्या हुआ? पी प्लस बी अपॉन एच, लंब आधार बटे में कर्ण, इसका मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों? इसका मतलब हो गया लंब आधार बटे में हाइपोटेनियस, ठीक है? बहुत बढ़िया, हाँ उड़ा दिया, बहुत बढ़िया, शानदार क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए, और ये शानदार ट्रिक है। अब यहाँ पे देखिए 29 अगर आपका कर्ण है, ये आपका कर्ण है, तो इसकी ट्रिपलेट क्या हुआ? 21 और 20। अगर 21 और 20 मैं परपेंडिकुलर बेस का सम करूँगा, 21 और 20 का मैं सम करूँगा तो क्या आ जाता है? 41 आ जाता है। देखिए 21 और 20 का सम करेंगे तो 41 आ जाता है, इसका मतलब ये ट्रिपलेट एकदम राइट है, ये जो ट्रिपलेट है ये एकदम बिल्कुल राइट है, समझ रहे हो मेरे प्यारे बच्चों? बहुत शानदार ट्रिक मैं आपको सिखा रहा हूँ पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो मेरे प्यारे बच्चे देखिए, ये आपका लंब हो गया, ये आपका आधार, जब मैंने इसका सम किया तो 41, लंब और आधार का सम करने पर 41, कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सेम यही क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे प्लस है, बस यहाँ पे क्या दे रखा? माइनस दे रखा है। तो लंब माइनस आधार, अगर इसको इसमें से माइनस करेंगे भाई, अगर इसमें से माइनस करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा आपका? एक वैल्यू आएगा, पी माइनस बी का मतलब एक आएगा, एक बटे हाइपोटेनियस कितना है भाई? करण तो दोनों में सेम रहेगा ना, करण इसका अगर यहाँ पे करण कितना 29, तो यहाँ पे करण कितना आएगा 29, तो 1/29 आपका आंसर है, 1/29, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर था। गर्दा उड़ा के नहीं उड़ा, जय श्री राम। देखो बेटा मैंने क्या किया, बहुत आसान तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन करने का, बहुत धाकड़ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? इसका करने को सबसे आसान तरीका यही है कि मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, लंब बटे करण आधार बटे करण, तो पी प्लस बी का मतलब हो गया 21 प्लस 20 41, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। जैसी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, ये आएगा पी माइनस बी अपॉन एच, तो पी माइनस बी कितना हो गया भाई? 21, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये आधार, 21 में से 20 को माइनस करूंगा तो क्या आएगा? एक, और बटे में हाइपोटेनियस कितना दे रखा? कर्ण दे रखा 29, तो बटे में कितना आ जाएगा? 29। जय श्री राम जय महाकाल, बहुत बढ़िया, शानदार, वेरी गुड। अगले क्वेश्चन में चलिए, रैपिड फायर क्वेश्चन नंबर 2।
शाबाश 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 शाबाश, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आते हैं भैया। एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड, 20 से 30 सेकंड सफिशिएंट है आपके लिए। रैपिड फायर स्पीड के साथ चलेंगे, स्पीड के साथ चलेंगे। बहुत शानदार ट्रिक मैंने आपको सिखाई है। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी से जल्दी से। सिर्फ पाइथागोरस ट्रिपलेट्स को आपने याद रखना है। ओहो टाइमर नहीं चलाया। शाबाश 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 शाबाश। धांसू सर का धांसू ट्रिक सीखिए भैया। देखो इतनी देर में सवाल हो जाता है, लिख देता हूँ यहाँ पे धांसू ट्रिक। लिखो भाई यहाँ पे धांसू। आज देखिए आज क्वेश्चन थोड़ा धांसू रहेगा, इस बात का ध्यान रखना, पसीना निकल जाएगा तुम्हारे दिमाग का, आज बता रहा हूँ। धांसू ट्रिक से चल रहा, लिख लो ऐसे, धांसू सर का धांसू ट्रिक। ठीक बात है, क्वेश्चन में था भैया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ठीक बात है, तो साइन थीटा कॉस थीटा को मैंने बताया, इसको लिख सकते हैं पी प्लस बी अपॉन में एच। ठीक बात है, ये आपको दे दिया भैया 17/13 है, 17/13। क्वेश्चन आपसे पूछा गया है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो इसका मतलब क्या हो गया, पी माइनस बी अपॉन में क्या हो गया, एच। बस ऐसे लिख देता हूँ आपको, ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो बेटा ये माइनस में पूछा है, प्लस में दे रखा है। प्लस में हमने सिंप्लीफाई किया था पिछला क्वेश्चन, अभी पिछला क्वेश्चन आपने सिंप्लीफाई किया था। देखो ये क्या आ गया था, पी प्लस में बी अपॉन में एच आ गया था, तो बेटा इसको भी सिंप्लीफाई किया आपने। तो पी प्लस बी का वैल्यू कितना है, लंब और आधार, और ये आपका कर्ण है। अगर मैं नीचे देखता हूँ तो यहाँ प्लस की जगह बस क्या दे रखा है, यहाँ प्लस की जगह बस माइनस दे रखा है मेरे प्यारे बच्चे, माइनस दे रखा है। भाई करण तो दोनों में सेम होगा ना, हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस दोनों में सेम होगा, तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा बच्चे, हाइपोटेनियस आ जाएगा 13। इसका मतलब समझ पा रहे हो मेरे प्यारे बच्चों, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स का कॉन्सेप्ट है, पाइथागोरस ट्रिपलेट का। देखो बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, ये ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट लग रहा है इसमें, 5, 12 और 13। बात को समझिए, 5, 12 और 13। हाँ दोबारा से बना देता हूँ, हाँ 5, 12 और 13। ये देखिए 5, 12 और 13 का ट्रिपलेट बन गया है, बात समझ पा रहे हैं, 5, 12 और 13, जिसमें परपेंडिकुलर पी बराबर कितना हो गया, 12 हो गया, बी बराबर कितना हो गया बेटा, 5 हो गया, एच बराबर कितना हो गया, ये आपका 13 हो गया भाई। ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, यहाँ पे भी लिख देता हूँ यार, थोड़ा सा आपको समझ में आएगा। ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूस, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ भाई परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेन्यूस। जय श्री राम जय महाकाल करते, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा गर्दा गर्दा। देखो बेटा अगर इन दोनों का सम करोगे तो 12 और 5 कितना हो गया, 17 हो गया। अगर इन दोनों को माइनस करोगे तो 12 में से 5 गया तो कितना आ जाएगा, अगर इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस कितना आ जाएगा भैया, 7 आ जाएगा, और सम करोगे तो 17। देखो मैंने सम किया, मैंने पी प्लस बी का सम किया 17, इसका मतलब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, मेरा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। जब करण आपका 13 होगा तो P माइनस बी का डिफरेंस कितना होगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, तो आंसर आ जाएगा 7/13। 7/13 देखिए ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है, 7/13। गर्दा 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 गर्दा, जय श्री राम जय महाकाल। 5, 12, 13 ये ट्रिपलेट होता है, दो संख्याओं का वर्ग। ट्रिपलेट मैं आपको लास्ट में सिखा दूंगा, जिस बच्चे को पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं आता उसको मैं बनाना लास्ट में सिखा दूंगा, ठीक है, घबराने का जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। हाँ 5, 12 और 13 दो संख्याओं का वर्ग, 5, 12 और 13 ट्रिपलेट का मतलब होता है दो संख्याओं का अगर मैं वर्ग करूंगा, 5 का वर्ग करूंगा 25 और 12 का वर्ग करूंगा 144, इनका सम करूंगा तो 169। ये किसके बराबर होगा, ये तीसरे के बराबर होगा, पाइथागोरस पर में पढ़ी थी ना, लंब का वर्ग आधार का वर्ग किसके बराबर होता है, कर्ण के बराबर होता है, इसको पाइथागोरस बोलते हैं। तो पाइथागोरस को आपको याद रखना है, वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक बात है। चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए, शाबाश शाबाश शाबाश। क्वेश्चन नंबर 3 जल्दी से, पाइथागोरस ट्रिपलेट से आप क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं। ये लीजिए टाइमर स्पीड के साथ, जल्दी से जल्दी, शाबाश 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 शाबाश। हाँ भाई स्पीड के साथ उड़ाइए, स्पीड के साथ, जल्दी से जल्दी। जल्दी जल्दी स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। बेटा प्रैक्टिस में आपको इतनी करवा दूंगा कि आप क्वेश्चन को देखते पहचान जाओगे। ये जो नीचे हाइपोटेन्यूस दिया होता है ना, इसी से हमें पता चल जाता है किस चीज़ का ट्रिपलेट है, ये कौन सी संख्या का ट्रिपलेट है, ठीक बात है कि नहीं। ओहो इसी चीज़ से हमें पता चल जाता है, ट्रिपलेट का लास्ट में बता दूंगा, घबराइए मत, लास्ट में ट्रिपलेट बता दूंगा, चिंता करने का जरूरत नहीं। कैसे सम और विषम संख्या के ट्रिपलेट को याद रखा जाता है, सारा ट्रिपलेट सिखा दूंगा, घबराइए मत। क्वेश्चन को देखिए जल्दी से जल्दी, इतना समय नहीं लेते क्वेश्चन में, ध्यान से देखिए। ये कहता है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, देखिए क्वेश्चन का लेवल देखिए भाई, आज धाकड़ क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आज थोड़ा पसीना निकलेगा तुम्हारे शरीर से, क्योंकि धाकड़ क्वेश्चन से सिलेक्शन जो होता है, लल्लन टॉप क्वेश्चन से सिलेक्शन नहीं होता, बढ़िया सवाल पढ़ने से सिलेक्शन होता है, ध्यान दीजिए इस बात पर। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर कितना दे दिया भैया, 23/17 दे दिया, इसका मतलब आप समझ पा रहे हैं ये है पी प्लस में बी,
और अपॉन हाइपोटनियस, ये पी प्लस बी अपॉन हाइपोटनियस है, ये पी प्लस बी और ये आपका हाइपोटनियस दे रखा। तो मैं ट्रिपलेट देखूंगा, ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, ट्रिपलेट देखूंगा कौन सा ट्रिपलेट बनेगा। 8, 15 और 17 का ट्रिपलेट है भाई, 8, 15 और 17, 8, 15 और 17 है। आपको भी सिखा दूंगा, चिंता करने का जितनी आठ पर है। इसका सम अगर मैं करूंगा तो कितना आ जाएगा, 23 इसका सम आ जाएगा भाई। 23 सम है कि नहीं है? अरे परपेंडिकुलर बेस का सम कितना है बेटा, 23 है। ये देखिए 23 है कि नहीं है। आपसे सवाल में क्या पूछा हुआ है, आपसे सवाल में पूछा है सर साइन थीटा माइनस में कॉस थीटा क्या होगा। देखिए लाजवाब ट्रिक चल रहा है, धांसू ट्रिक इसको बोलते हैं। क्वेश्चन को देखा जब मैं उड़ा दिया, क्वेश्चन को देखा उड़ा दिया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा की बात कर रहा है। ये परपेंडिकुलर है और ये आपका बेस है और ये हाइपोटेन्यूस है, लंब आधार करण। जब माइनस की बात करेंगे तो भैया ये बात करेंगे पी माइनस बी, अपॉन में हाइपोटेन्यूस मतलब लंब आधार, लंबे से आधार को माइनस करेंगे, बटे में करण आ गया तो लंबे से आधार को माइनस करेंगे। 15 में से 8 को माइनस कर दीजिए, 15 में से आपको माइनस कर दीजिए, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा, 8, 7, 15 होता है 7, डिफरेंस कितना आ गया, 15 में से 8 को माइनस किया 7 बटे में हाइपोटेन्यूस कितना दे रखा 17, तो 7/17 आपका आंसर आ गया। 7/17 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। हाँ भाई ट्रिपलेट बता देता हूँ, चिंता करने का जरूरत नहीं है, ट्रिपलेट को बता देता हूँ, ट्रिपलेट को ओके ओके ट्रिपलेट को बता देते। ट्रिपलेट के लिए थोड़ा सा ब्लैंक पेज लेना पड़ेगा बेटा। चलो यहीं पे बता दे ट्रिपलेट को, ट्रिपलेट को यहीं पे बता दें। लिखो देखो ट्रिपलेट को कैसे बनाया जाता है, ट्रिपलेट को सीख लो भाई, ट्रिपलेट को कैसे बनाया जाता है। मैं इसलिए कह रहा था ट्रिपलेट के थोड़ा ब्लैंक पेज चाहिएगा मुझे। चलो सीख लो, देखो ट्रिपलेट दो टाइप के होते हैं, एक तो मेन ट्रिपलेट हो गया। एक मेन ट्रिपलेट क्या होगा, जैसे ये 3, 4, 5, 5, 12, 13 इसको याद कैसे रखा जाए, 6, 8 और 10, 7, 24 और 25 ठीक है, 8, 15 और 17 ध्यान से सुन लीजिए। ट्रिपलेट, ट्रिपलेट किसी भी संख्या का आप मुंह जवानी ट्रिपलेट, भाई दबा के लाइक और शेयर करो। अब आपने ट्रिपलेट का ट्रिपलेट बता देता हूँ, किसी भी संख्या का ट्रिपलेट बना सकते हो। दो संख्याओं का वर्ग तीसरी संख्या के बराबर होता है, ये ट्रिपलेट होता है। अब ट्रिपलेट आपके ये समझ में आ रहा होगा सर, ट्रिपलेट दो टाइप का होता है, एक तो होता है विषम संख्या का ट्रिपलेट, जिसको अंग्रेजी में आप कहते हैं विषम संख्या, विषम का मतलब होता है ऑड नंबर का ट्रिपलेट, यहाँ पर लिखते हो, और एक होता है सम संख्या का ट्रिपलेट भाई, एक होता है सम संख्या का ट्रिपलेट जिसको आप कहेंगे सम संख्या को मतलब इवन नंबर का ट्रिपलेट होता है। किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या का आप ट्रिपलेट खुद बना सकते हैं भाई। धांसू ट्रिक दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए इसी बात पे। कोई लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा फिर मजा नहीं आ रहा, फिर काय को ट्रिपलेट सिखाएं। किसी भी संख्या का ट्रिपलेट मुंह जवानी बना सकते हो, मेरा वादा है आपसे। देखो कैसे, हाँ भाई ट्रिपलेट से बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है बेटा। सबसे पहले हमने 3 को लिखा है यहाँ पे, जैसे 3 का मुझे विषम संख्या का निकालना है, 3 का वर्ग कर दो, 3 का वर्ग कितना हो गया भैया 9, इसका आधा करो 9 का आधा, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है आपने। इसमें 0.5 को प्लस करना है और 0.5 को ही माइनस करना है, ठीक बात है। 0.5 को प्लस करोगे तो 5 आएगा, माइनस करोगे तो 4 आएगा, तो 3 का ट्रिपलेट क्या हो गया भाई, 3 का ट्रिपलेट 3, 4, 5, देखो 3 की ट्रिपलेट 3 से, 3 की ट्रिपलेट क्या होगी 5 और 4, 3 की ट्रिपलेट 5, 4, बात समझ में आ रही है। एक संख्या का और बता देता हूँ थोड़ा सा, देखो जैसे 5 का ही ले लेते हैं, अगला नंबर 5 है, 5 का मुझे निकालना है भाई। कोई भी विषम संख्या का ट्रिपलेट कैसे निकाला जाएगा, 5 का वर्ग करो, पहले स्टेप में वर्ग किया जाता है और इसको आधा कर दिया जाता है, पहले स्टेप में इसका वर्ग करेंगे उसका आधा करेंगे, आधा हो जाएगा 12.5, मैंने क्या कहा 12.5 हो गया आधा भाई, देखो आधा हो गया 12.5। अब अगले स्टेप में मैंने क्या सिखा, 0.5 को ऐड करिए, 0.5 को इसमें ऐड कर दीजिए और 0.5 को इसमें से माइनस कर दीजिए, 0.5 को ऐड करोगे तो 13 होगा और 0.5 को माइनस करोगे तो 12, तो 5 का ट्रिपलेट देख लीजिए बेटा नीचे की तरफ, अब आपको दिखाई दे रहा होगा 5 का ट्रिपलेट 12 है और ये 5 से 13 है, ये 5 से 12 और 13 ये ट्रिपलेट आ गया भाई। मजा आया तो दबा के लाइक और शेयर कर दो, जय महाकाल बोलते जाइए और लाइक और शेयर में कंजूसी नहीं करने का। देखो ये किसी भी विषम संख्या का ट्रिपलेट, पहले स्टेप में वर्क करेंगे, आधा करेंगे, 0.5 को ऐड करेंगे, 0.5 को माइनस करेंगे। अब सम संख्या का ट्रिपलेट सीखो, जैसे ये है सम संख्या 6, 8, 10 भाई, दो संख्याओं का वर्ग तीसरे के बराबर होता है, इसको पाइथागोरस ट्रिपलेट कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम से आता है, ठीक बात है। अब जैसे 6 का है, 6 का वर्ग करेंगे, 6 का वर्ग कितना हो जाएगा 36, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है इस बात का ध्यान से सुनना, इसमें कितने से भाग किया, पहला स्टेप तो दोनों में सेम था, पहला स्टेप था दोनों को वर्क करना, इसमें भी वर्क किया, इसमें भी वर्क किया, दूसरे स्टेप में इसमें 2 से भाग दिया, पर इसमें कितने से भाग देंगे जानते हो, इसमें 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देंगे, 4×9=36 होता है। हाँ भाई दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए यार, मज़ा नहीं आ रहा दबा के लाइक और शेयर नहीं हो रहा।
हाँ दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से एकदम जो है। ये कितना हो गया 9। इसमें क्या करेंगे याद रखिए, इसमें आपने किया 0.5 को ऐड, 0.5 को माइनस, इसमें 0.5 को, इसमें 0.5 प्लस, 0.5 माइनस, और इसमें क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसमें 1 को प्लस करेंगे और 1 को माइनस करेंगे, तो 9 रे कितना हो जाएगा 10, और 9 में से एक जाएगा तो कितना हो जाएगा 8। तो देखो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों 6 की ट्रिपलेट के आ गई, ध्यान से देखो 6 का ट्रिपलेट आ गया 10 और 8, 6 का ट्रिपलेट हो गया 6, 8 और 10। हाँ भाई क्लियर है, दबा के लाइक और शेयर होना चाहिए जय महाकाल। आप भी निकाल सकते हैं, जैसे एक और नंबर ले लेते हैं, 8 का ट्रिपलेट ले लेते हैं, 8 का, 8 का वर्क करिए भाई, देखो 8 का वर्क कितना हो गया 64। सबसे पहला स्टेप मैंने क्या सिखाया भाई, सबसे पहला स्टेप मैंने सिखाया 4 से भाग करना, 4 से भाग कर देंगे तो 4 से करेंगे, 4 एकम 4, 4 छिंग 24, 16 आ गया। 1 जमा करो, 1 घटा दो, 1 प्लस करो, 1 माइनस करो, 16 और 1 17 हो गया, और 16 में से 1 गया 15 हो गया। तो 8 की ट्रिपलेट क्या होती है 15 और 17, देखो 8 की ट्रिपलेट क्या है 15 और 17, 8 की 15 और 17, नोट कर लो भैया, स्क्रीन शॉट ले लो जिसको स्क्रीन शॉट लेना है, क्लियर है। किसी भी सम और विषम, बड़ी से बड़ी सम और विषम संख्या का ट्रिपलेट अब आप मुंह जवानी निकाल सकते हो, ध्यान से सुन लो, रिपीट कर देता हूँ। विषम संख्या में 2 से भाग करना होता है, 0.5 प्लस 0.5 माइनस करना होता है, सम संख्या में 4 से भाग करना होता है, 1 जमा और 1 माइनस करना होता है, बस और कोई डिफरेंस नहीं है। मुंह जवानी किसी संख्या का अभी बैठ के बना के देख लो, बड़ी से बड़ी संख्या का। हाँ चलो भाई लीजिए, हो गया, हाँ ये क्वेश्चन हो गया था मेरे प्यारे बच्चों, जल्दी से इस क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, बहुत बढ़िया बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सवाल नंबर 4। थोड़ा गर्मी भी हो रहा है भाई, देखो पसीना भी आ रहा है, जल्दी से जल्दी उड़ाइए क्वेश्चन को, जल्दी से रैपिड फायर क्वेश्चन के 30 सेकंड में आपको दूंगा, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ। जय महाकाल जय श्री राम। गर्दा मचना चाहिए, गर्दा 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 मचना चाहिए। हाँ भाई दबा के लाइक और शेयर कर दीजिए महाकाल के आशीर्वाद से, देर मत लगाइए, शाबाश शाबाश शाबाश, कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया बनना चाहिए तुम्हारे जैसा, वो आग वो जज्बा तुम्हारे अंदर होना चाहिए, शाबाश। हाँ भाई उड़ाइए, अभी देख पा रहा हूँ 33 सेकंड हो गए, किसी से उड़ नहीं रहा है, कैसे चलेगा बेटा, ऐसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जैसे तुम सोच के बैठे हो, ऐसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जैसे तुम सोच के बैठे हो, उम्र बीत जाएगा बेटा, उम्र बीत जाएगा बेटा, हाँ अगले जन्म का सोचना पड़ जाएगा, मैं बता रहा हूँ, मेहनत करिए, अगर नहीं निकला है तो अपने आप को कमज़ोर मत समझिए, मैं जैसे कलम चला रहा हूँ ध्यान से देखते जाइए, सवाल को देखिए वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मैं थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर देता हूँ इसको, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा यहीं पे सिंप्लीफाई कर देते हैं, ऊपर से 3 कॉमन आ सकता है, ऊपर आ जाएगा sec थीटा प्लस में 1, यहाँ पे आ जाएगा sec थीटा माइनस में 1, नीचे ये 4 कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा cosec थीटा प्लस में 1, और नीचे ये हो गया कोसेक थीटा माइनस में 1, बात समझ पा रहे हैं सब लोग, ये 3/4 हो गया, ए प्लस बी ए माइनस बी, ऊपर आ गया सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1, नीचे आ गया भैया कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, बात समझ पा रहे हैं भाई। ये अगला स्टेप में देखो 3/4 हो गया, सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाता है बेटा 10 स्क्वायर थीटा हो जाता है, और ये क्या हो जाता है ये आपका कॉट स्क्वायर थीटा हो जाता है, ये क्या हो जाएगा भैया 3/4, अब ये तो आपका 10 स्क्वायर थीटा तो हो गया, इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, लिख सकते हो मेरे बच्चों, तो इसका जो रिजल्ट आ गया सर वो आ गया 3/4 10 की पावर, जब 10 स्क्वायर ऊपर जाएगा तो 10^4 थीटा, मेरा कहने का मतलब ये इसका रिजल्ट आया है। हाँ भाई गर्दा 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 जय श्री राम जय महाकाल बोलते जाइए, देखिए कैसे क्वेश्चन को मुंह जवानी उड़ा दिया हमने, अब इसका जो रिजल्ट आ गया मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, इसका रिजल्ट आ गया, ध्यान से देख इस बात को, 3/4 धाकड़ क्वेश्चन से तुम्हारा पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, जबकि ये नहीं पता परीक्षा में तो ऐसे ही सवाल आएंगे, पेपर में तो यही पूछे जाएंगे बेटा, मैंने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला बना तो मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया, 10 स्क्वायर कॉट को लिख सकता हूँ 1/10 ऊपर गया तो 10^4, अब सवाल आसान है कि नहीं है दिल से बताइए, हाँ अब सवाल आसान है कि नहीं है सर, आसान है, देखो अब इसका वैल्यू देख लो, और क्या है इसका वैल्यू देखो 4/3 है, तो 4/3 है सर, इसका वैल्यू 4/3 रख दो, तो 4/3 ये 3/4 हो गया, 4/3 की 4 बार गुणा, ये हो गया 4/3, ये हो गया 4/3, ये हो गया 4/3, ये हो गया 4/3, 4 बार गुणा होगी भाई, तो एक तो 4/3 कट गया भाई, अब इनकी गुणा कर दो, 4 चौक 16 64 3 9 27 64/27, ये देखो किस बच्चे का आंसर 64/27, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है भाई। हाँ शाबाश 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 शाबाश,
मैराथन शनिवार को शाम को 8 बजे होगी, और आप लोगों के आशीर्वाद से भैया मैराथन का गोल्ड अवार्ड मिल गया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को। मेरी 9 से 10 12 घंटे की मैराथन यूट्यूब पे आपको अवेलेबल है मेरे प्यारे बच्चों। मैराथन भाई धांसु सर आप डालिए, 12 घंटे की 9 से 10 मैराथन मैंने आपको लिए कर दी है मेरे प्यारे बच्चों। वैसे तो जो 12 घंटे की बता रहा हूँ, वैसे तो काफ़ी मैराथन आपको मिलेंगी, 3-3, 6-6 घंटे की आपको। तो थोड़ा सा दबा के लाइक और शेयर, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी विद्यार्थियों को जो प्यार आपने दिया। हर सैटरडे को रात को 8 बजे शुरू होगी, 12 घंटे का मैं फिर कम बैक कर रहा हूँ आपके लिए लेकर आ रहा हूँ, तो शनिवार को रात को 8 बजे जो आना मत भूलिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अब थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते हैं। देखो थोड़ा हायर लेवल का क्वेश्चन लेके आते हैं जो CGL में पूछे जाते हैं, SSC CGL में लास्ट टाइम क्वेश्चन आया था। जल्दी से जल्दी शाबाश 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 शाबाश, SSC CGL में लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था। लीजिए भाई टाइमर को लेकर आते हैं, टाइमर जी ऊपर आइए थोड़ा सा। लीजिए बेटा जल्दी से, ओहो 00 से शुरू करते हैं। SSC CGL में लास्ट टाइम क्वेश्चन पूछा गया था, बढ़िया सवाल एकदम जो है। जय श्री राम जय महाकाल। हाँ भाई उड़ाइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूँ महाकाल के आशीर्वाद से। ABC एक ट्रायंगल है, B 90 डिग्री है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ इसलिए आपके लिए ट्रायंगल बना देता हूँ। ये ABC एक ट्रायंगल है, B आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री बना दिया भाई, ठीक है। ABC आपका ट्रायंगल बना दिया, ये A बना दिया, ये आपका B बना दिया, ये आपका C बना दिया, और ये AC बराबर 2√5, ये आपका 2√5 दे रखा है, ये भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। AB-BC इन दोनों का डिफरेंस आपको 2 दे रखा है, ठीक बात है। और cos² A-cos² C को निकालना है, cos² A यहाँ से निकलेगा, cos² C यहाँ से निकलेगा। देखो मेरे प्यारे बच्चे इतनी देर में, बढ़िया से लेवल का क्वेश्चन है। देखो धाकड़ क्वेश्चन बनाओगे ना तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, लल्लन टॉप क्वेश्चन से कभी भी नौकरी नहीं मिलती है। बिल्कुल धांसू क्वेश्चन से नौकरी मिलेगा भाई। आप किस किसने दिया भैया आंसर बताइए, क्या क्या आ रहा है जल्दी से बताइए आंसर, क्या क्या आ रहा है आपका जो है। ये कांटा लग गया है भैया, 2 ऑप्शन हमने कांटा लगा दिया है। मेरे प्यारे बच्चे जब भी ऐसा सवाल आपके पेपर में आ जाए तो कुछ मत करिए, जैसे AC का वैल्यू जो आपको दिया है ना भाई, AC का स्क्वायर जो होगा वो आप समझ पा रहे हैं, वो AB का स्क्वायर होगा। AC मतलब ये करण, करण का वर्ग, लंब का वर्ग जमा आधार का वर्ग, AC का स्क्वायर जमा में AB का स्क्वायर जमा में AB का स्क्वायर। मैं कर लेता हूँ, ये 2√5 है, 2√5 इसका स्क्वायर कर लेता हूँ। 2√5 का स्क्वायर कितना आ गया भैया, 2 × 4 × 5 = 20। 20 का मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, 20 को बेटा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से अगर देखा जाए तो ये मेरा ये AB का स्क्वायर प्लस में AB का स्क्वायर प्लस में ये हो गया BC का स्क्वायर, तो ये मेरा आ गया। इसका अगर मैंने वर्क किया तो ये 20 आ गया, 20 को मैं फैक्टराइज कर सकता हूँ, 4 का वर्ग 4 × 16 और 2 का वर्ग 16 × 4 = 20। हाँ भाई बहुत बढ़िया शानदार, देखिए 20 को मैं लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 और 2 का कितना हो गया 4 16 और 4 20 हो गया, क्वेश्चन खत्म, 16 और 4 20, ये 20 आ गया। AC का स्क्वायर था, AC का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम हम लगा सकते हैं, क्वेश्चन में जान नहीं है, सिर्फ स्मार्ट तरीके से क्वेश्चन को करना पड़ता है। इसका मतलब सर आप समझ चुके होंगे अब जो मैं कहने जा रहा हूँ, इसका मतलब बहुत आसान है, आप समझ चुके होंगे मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, परपेंडिकुलर इसका वैल्यू आपका 4 आ गया, इसका वैल्यू आपका 2 आ गया, AB का वैल्यू आपका 4 आ गया, इसका वैल्यू आपका 2 आ गया। इन दोनों का अगर मैं डिफरेंस भी देख लेता हूँ, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया 2, ये देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना दे रखा है, AB-BC = 2, AB-BC = 2 ये दे रखा है ना, AB-BC = 2 दे रखा है। अब कुछ नहीं करना है सर, अब सवाल में जो आपसे पूछा बस उसको निकालना है, ये चीज़ें समझ में आ रही हैं। हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ध्यान से देखिए बेटा, सवाल में पूछा है आपसे ये cos² A माइनस में cos² C को निकालना है। थोड़ा स्पीड के साथ लाइक और शेयर करते चलें। cos² A का वैल्यू क्या होगा, ये cos² A होगा, cos² क्या होता है आधार, आधार यहाँ पे 4 है, बटे में आधार, बटे में ये हो जाएगा आधार बटे में करण, ये माइनस cos² C, C का आधार कितना है भैया यहाँ पे 2 और बटे में ये 2√5 का स्क्वायर, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। 4 × 16 माइनस में 4 और 2√5 का वर्ग क्या है भैया 20 आपका जो है, 16 में से 4 गया कितना आ गया 12, 12 × 20 आ गया, 4 × 3 = 12 होगा, 4 × 5 = 20, 3/5 आपका आंसर आ गया, 3/5 देखिए ऑप्शन में, 3/5 ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर था। हाँ भाई क्लियर है, थोड़ा थम्सअप वम्सअप कर दो स्पीड के साथ एकदम जो है। शाबाश 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 शाबाश, बहुत बढ़िया
बेटा हाइपोटनियस पता कैसे चला? हाइपोटनियस तो दे रखा है ना, ये दे रखा, एसी तो दे रखा है, क्वेश्चन में दे रखा है एसी को जो है इसका। फिर मैंने फैक्टर किया 20 का, चार दुनिया ये कर दिया, चार और दो इसलिए किया क्योंकि इसका डिफरेंस दे रखा था, ए बी और बी सी का डिफरेंस जो दे रखा था ना, दो दे रखा था, तो इन दोनों का जो अंतर होगा वो कितना दे रखा है बच्चा? दो दे रखा है बस। तो ये थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ये हार लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी में पूछा जाता है, समझ रहे हो बात को जो है? थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चे। अगले क्वेश्चन को देखिए, अगले क्वेश्चन लीजिए जल्दी से जल्दी, क्वेश्चन नंबर 6 को लीजिए थोड़ा स्पीड के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 को लीजिए, फिर थोड़ा सा टाइप को चेंज करेंगे जल्दी से जल्दी। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस कर लो, ऐसा एक सवाल और प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर टाइप को चेंज करें जल्दी से। देखिए प्रैक्टिस, मैंने अभी पाइथागोरस ट्रिपलेट आपको सिखाई थी, ये दे रखा है एक्स वाई जेड। हाँ भाई टाइमर स्टार्ट कर दिया, एक्स वाई जेड है यहाँ पे, यहाँ पे एक्स वाई जेड लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। ये लो बेटा, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये आपका जेड हो गया। ध्यान से सुनते जाना, अब आपको समझ में आ जाएगा जो मैं बता रहा हूँ। ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये कहता है वाई 90 डिग्री, वाई 90 डिग्री हो गया, एक्स जेड आपका 17 है। मैंने 17 का ट्रिपलेट बताया था, मैंने 17 का ट्रिपलेट बताया था, 8 15, देखो 17 का ट्रिपलेट क्या होता है, 17 का ट्रिपलेट मैंने ये बताया था, 8 15 और 17 की ट्रिपलेट होती है, अभी सिखाया था आपको, 8 15 और 17 का एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है। अगर बच्चा ये 17 होगा, अगर ये 17 होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सिंपल सी बात है, ये 15 होगा और ये आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। हाँ भाई, हाँ ये बेटा धाकड़ क्वेश्चन है एकदम, जो है थोड़ा पसीना, बताइए व्हाट इज द आंसर इसका जो है? ये 15, ये 8, 15 और 17 हो गया। अब आपसे पूछा है कॉस स्क्वायर एक्स, सीधा निकाल दीजिए, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। आपसे पूछा है बेटा कॉस स्क्वायर एक्स मेरे प्यारे बच्चों माइनस में कॉस स्क्वायर जेड आपसे पूछा है। कॉस स्क्वायर एक्स का मतलब है एक्स, ये एंगल आपको दे रखा है, इस एंगल के लिए आधार क्या होगा? ये आपका 15 होगा, 15 बटे में, और ये क्या दे रखा है? हाइपोटेन्यूस आपको 17 दे रखा है, 15 बटे में 17 इसका स्क्वायर कर दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक बात है कि नहीं है? और ये क्या दे रखा है? यहाँ पे 8 और यहाँ पे 8 दे रखा है, इसके लिए जेड, जेड दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, जेड 8 का स्क्वायर कर दीजिए, यहाँ पे 8 का स्क्वायर कर दीजिए और बटे में 17 का स्क्वायर। देखो माय डियर, हाँ ये आपका 17 का स्क्वायर क्या होता है? 289 तो आपका नीचे आ गया, सिंपल सी बात है, 289 नीचे आ गया। 15 का स्क्वायर होता है 225 में से 8 64 को माइनस कर देंगे, 225 में से 64 को निकाल दिए, 5 में 4 गया, 1 बचा भैया, 12 में से 6 बचेगा, 161/289 इसका आंसर आएगा, 161/289 ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, 161/289। हाँ भाई पाइथागोरस ट्रिपलेट का कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हैं इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए आप थोड़ा टाइप को चेंज करते हैं, अब ये दो क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए सेम टाइप के क्वेश्चन है, प्रैक्टिस के लिए थोड़ा टाइप को चेंज कर देते हैं मेरे प्यारे, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है? टाइप को थोड़ा चेंज करते हैं, लीजिए अब नए टाइप पाइए, शाबाश, हाँ वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। जल्दी से क्वेश्चन को देखिए जल्दी से स्पीड के साथ एकदम जो है, टाइमर को मैं यहाँ लगाता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ते चलेंगे। एक्स का वैल्यू दे रखा है 9 cos θ, वाई का वैल्यू दे रखा है 5 sin θ, फाइंड द एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स का 25, एक्स का स्क्वायर अपॉन 81, वाई का स्क्वायर अपॉन 25, फाइंड द वैल्यू। शाबाश 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 रैपिड फायर एकदम जो है, दो सवाल आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने दिया। देखो बड़ा टाइमर को भी देखते जाया करो, थोड़ा प्रैक्टिस भी करते जाया करो साथ साथ। एक्स का वैल्यू हमें निकालना है एक्स का स्क्वायर अपॉन में 81, और यहाँ पे निकालना है वाई का स्क्वायर अपॉन में 25। कुछ भी करने का जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू पुट कर दो बेटा। एक्स का वैल्यू आपको क्या दे रखा है? 9 cos θ दे रखा है, तो भैया 9 का हो गया 81 और ये हो गया आपका cos²θ, बटे में 81 दे रखा है, प्लस में वाई का यहाँ पे पुट कर दो, वाई का 5 5 कितना हो जाएगा? 25। ये वाई का कितना हो गया? 25, और ये हो गया बच्चा sin²θ, और बटे में कितना हो गया? 25। 25 से 25 कट गया भैया, 81 से 81 कट गया, 25 से 25 कट गया, 81 से 81 कट गया मेरे प्यारे बच्चों। तो ये हो गया आपका cos²θ, ये आपका हो गया cos²θ, प्लस में ये आपका हो गया sin²θ, cos² प्लस में sin²θ बराबर कितना हो गया? 1। हाँ भाई ठीक है, 81 से 81 कट गया भैया, 25 से 25 कट गया, यहाँ cos² और sin² बचा, cos² sin² का वैल्यू कितना होता है? बिल्कुल 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 बिल्कुल, या ऐसे भी कर सकते हो आप इसको, ये भी आसान तरीका, और भी आसान बता देता हूँ, देखो और भी इतना भी करने का जरूरत नहीं है, देखो आप ये भी कर सकते हो, जैसे x बटे में 9 से भाग कर दो, x बटे में 9 बराबर में ये आ गया आपका cos²θ, ठीक है? नहीं, ये आपका बराबर cos θ है। अब वर्क कर दो इसका जो है, अगर वर्क कर देंगे तो हो जाएगा x² अपॉन में 81 बराबर में ये हो गया cos²θ, ठीक है? ऐसे ही इसका वर्क कर दो, y अपॉन में 5 आ जाएगा, यहाँ से 5 भाग करेंगे
तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन में कितना हो गया भैया, वाई स्क्वायर अपॉन में 25 बराबर में ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। इसको निकालना था तो प्लस कर देते हैं, यहाँ भी प्लस करेंगे तो साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो, जैसे आपको बेस्ट लगे। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। शाबाश 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 स्पीड के साथ, स्पीड के साथ। क्वेश्चन कहता है sec थीटा का वैल्यू दे रखा है x प्लस में ये, तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे sec थीटा आपको दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसका एलसीएम ले लिया, ये आपका 4x स्क्वायर हो गया प्लस में 1 बटे में ये आपका 4x हो गया। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब ये होता है हाइपोटनियस, ये आपका हाइपोटनियस होता है, ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक बात है कि नहीं है। ये आप बना लो, इसके लिए राइट एंगल ट्राइंगल आप ऐसे बना दोगे, ये राइट एंगल ट्राइंगल आप ऐसे बना दोगे। हाइपोटनियस कितना दे रखा है भैया, ये आपको दे रखा है 4x स्क्वायर प्लस में 1, और ये कितना है आपका 4x है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 4x स्क्वायर माइनस में 1। क्वेश्चन खत्म। पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे भाई, पाइथागोरस थ्योरम, ये 4x स्क्वायर प्लस 1, ये हाइपोटनियस आपको दे रखा है, ये आपको बेस दे रखा है, तो ये परपेंडिकुलर कितना आ गया 4x स्क्वायर माइनस 1। क्वेश्चन खत्म भाई, क्वेश्चन खत्म। आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे देख लीजिए इस बात को, ये sec थीटा का मतलब क्या होता है, करण बटे आधार, और इसका मतलब क्या होता है लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर बटे में बेस, दोनों का लघुत्तम ले लेंगे तो ये हाइपोटनियस प्लस में परपेंडिकुलर बटे में आधार हो गया। तो हाइपोटनियस दे रखा भैया 4x स्क्वायर प्लस 1, और ये दे रखा है 4x स्क्वायर माइनस 1, और बटे में कितना हो गया भैया 4x हो गया। जय श्री राम बोल दो, ऐसे 1 से 1 कट जाएगा, 4x स्क्वायर ये हो गया आपका 8x स्क्वायर, और प्लस में 4x हो गया, 4x एक काट दूंगा भैया कितना आ जाएगा 4 × 8 2x आपका आंसर आ गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है भाई। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। देखो बेटा क्या करना है, सबसे पहले आपने sec थीटा को सिंप्लीफाई करना है। जैसे sec थीटा को सिंप्लीफाई किया तो यहाँ ये आपका करण और ये आपका आधार का वैल्यू मुझे मिल गया, तो यहाँ से मैंने ये लंब को भी निकाल दिया, पाइथागोरस से निकाल दिया, इसके वर्ग में से इसको माइनस करेंगे तो ये आपका परपेंडिकुलर आ जाएगा। अब मैंने इस पर यहाँ पर लिखा, ये होता है करण बटे आधार लंब बटे आधार, इसको सिंप्लीफाई कर दिया, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर दिया। ये SSC के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत बढ़िया सवाल है। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, बताइए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। लाइक और शेयर दबा के ठेके भैया, लाइक और शेयर में कंजूसी चल रहा है। अगर sec थीटा का वैल्यू √3 दे रखा है तो बताइए sec का क्यूब थीटा cos का क्यूब थीटा। लो टाइमर लगाता हूँ जल्दी से, यहाँ टाइमर को देखते चलो, थोड़ा सा समय को खराब नहीं करेंगे, थोड़ा टाइमर को देखते चलो। चलिए शाबाश शाबाश शाबाश, गर्दा उड़ना चाहिए महाकाल के आशीर्वाद से भाई। sec थीटा का वैल्यू आपको ये दे रखा है, सवाल में कहता है sec का क्यूब थीटा प्लस में cos का क्यूब थीटा। देखो टाइम को खराब नहीं करेंगे, इसके लिए मैं साथ के साथ मैं भी आपके लिए सॉल्यूशन शुरू कर रहा हूँ, आप भी देखते जाइए, जिसको आता है वो करे और आंसर को चेक करे, जिसको नहीं आता वो ब्लैक बोर्ड पे देखे। sec का वैल्यू कितना दे रखा है √3, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये sec क्यूब थीटा है, बिल्कुल ठीक है सर। cos को क्या लिख सकता हूँ 1/, इसको भी लिख सकता हूँ sec क्यूब थीटा, बात सही है कि नहीं है। sec का वैल्यू कितना दे रखा है √3, तो बच्चे मैं इसको लिख सकता हूँ √3 का क्यूब, इसको लिख सकता हूँ 1/√3 का क्यूब, बात समझ में आ रही कि नहीं। √3 का क्यूब क्या होता है भैया, 3√3 होता है, 1/√3 का क्यूब क्या होता है 3√3, ये इसका 3√3 होता है। जय श्री राम जय महाकाल। देखो मेरे प्यारे बच्चों इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 3√3 का स्क्वायर प्लस में 1 बटे में 3√3 होगा, 3√3 9 × 3 = 27, और एक ये हो गया भैया 28 बटे में 3√3, 28 बटे में 3√3 ऑप्शन को चेक कर सकते हैं भाई, ये आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। हाँ भाई, गर्दा वर्दा मचा के नहीं मचा, दबा के लाइक और शेयर करना चाहिए आपको जो जवाब है। शाबाश 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 शाबाश, अभी तक 1000 लाइक नहीं हुआ, क्या फ़ायदा तुम्हारे लिए, रेगुलर क्लास कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री का, बढ़िया बढ़िया सवाल लेके आते हैं, अच्छे अच्छे टाइप आपके लिए लेके आते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, स्पीड के साथ लीजिए। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैंने लास्ट टाइम ये इस टाइप का क्वेश्चन करवाया भी था आपको जो है, ये लीजिए भाई टाइमर लेते जाइए जल्दी से, क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन कहता है cos x प्लस में cos x स्क्वायर x बराबर 1, सबसे पहले हम इसी को सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका cos x दे रखा है और ये आपका है cos स्क्वायर x बराबर आपका 1 है, तो इसको मैं राइट साइड लेके जाऊंगा मेरे प्यारे बच्चे, तो ये आ जाएगा आपका cos x, ये 1 माइनस में cos स्क्वायर x आपका हो गया। 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या होता है, 1 माइनस cos स्क्वायर x आपका होता है sin स्क्वायर x,
वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स आपका क्या होता है, साइन स्क्वायर एक्स होता है, ठीक बात है कि नहीं है। तो कॉस एक्स बराबर किसके आ गया भैया, साइन स्क्वायर एक्स के आ गया है। ध्यान से देखेंगे, कॉस स्क्वायर एक्स बराबर आपके साइन स्क्वायर एक्स के बराबर आ गया है। ध्यान दे दीजिए इस बात पर, जय श्री राम, जय महाकाल। हाँ भाई, ये जो आपको दिखाई दे रहा है साइन क्यूब, ये फॉर्मूला जानते हो किसका है, ये साइन की 12 3 साइन की 8 3, ये आपका ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला है। ये आपका ये फार्मूला है ए प्लस बी का क्यूब का फार्मूला है। क्या होता है भाई, ए का क्यूब जमा बी का क्यूब जमा 3ab ब्रैकेट में ए प्लस में बी, आप अप्लाई करके देखना। तो मैं इसको यहाँ लिख सकता हूँ बेटा जी, साइन, ये यहाँ पे ऐसे लिखूँगा मैं इसको, साइन की पावर 3 4 3 बार, साइन की पावर 4x प्लस में साइन का पावर 2x और इसकी पावर जो है ना, और इसका पावर ये हो गया 4 3 12, 3 हो गया क्योंकि यहाँ पे 6 दे रखा है। देखो कैसे वेरीफाई किया जाता है, ये पावर 3 है, 4 3 12 और 3 2 6, ये फर्स्ट और लास्ट की पावर को देख लो और पीछे आपका माइनस का 1 है। ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन में, देखिए आंसर बहुत गलत देंगे। अब मुझे देखो साइन स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है कॉस एक्स, ये साइन ऊपर देखिए, साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे कॉस एक्स दे रखी है मेरे प्यारे बच्चों। हाँ, साइन स्क्वायर की वैल्यू मुझे कॉस एक्स दे रखी है, तो बेटा जी मैं इसको लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में इसको लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स और इसकी पावर 3 माइनस में 1। साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1 1 माइनस 1 से कट जाएगा, आंसर इसका 0 आएगा। ऑप्शन देखिए 0 है, बिल्कुल ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया, जय श्री राम, जय महाकाल करते जाइए। शाबाश 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 शाबाश। लीजिए अगले क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यार बच्चों। क्वेश्चन कहता है अगर x का वैल्यू आपका दे रखा भैया a cos थीटा, y का वैल्यू दे रखा b sin थीटा, फाइंड द वैल्यू। लीजिए टाइमर को लगा देता हूँ, ये टाइमर ये लग गया भैया। यहाँ से हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x अपॉन a बराबर में ये आपका cos थीटा था, मैं क्या करता हूँ दोनों तरफ वर्ग ले लेता हूँ ऐसे, तो हम इसको लिख सकते हैं x का स्क्वायर बटे में a का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा भाई, cos स्क्वायर थीटा। ऐसे इसमें y इसके नीचे b लिख सकते हैं, b से इसको भाग देंगे तो इसमें भी दोनों तरफ वर्क कर देंगे मेरे प्यारे बच्चों। दोनों तरफ वर्क कर दोगे तो बेटा ये हो जाएगा y का स्क्वायर अपॉन में b का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा बेटा जी, साइन स्क्वायर थीटा। हमें क्या निकालना था, इन दोनों का सम निकालना था, इन दोनों का हमें सम निकालना था। तो मेरे प्यारे बच्चों आप समझ चुके होंगे, एक्स का स्क्वायर बटे में ए का स्क्वायर जमा वाई का स्क्वायर बटे में बी का स्क्वायर बराबर में साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, साइन स्क्वायर जमा कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। तो व्हाट इज़ द राइट आंसर, द राइट आंसर इज आपका 1 आ गया है, 1 इज़ द राइट आंसर। शाबाश 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 शाबाश, बिल्कुल गर्दा मचा दी हो। हमने क्या कहा, यहाँ से कॉस को ले लिया, कॉस को ये एक्स अपॉन ए चला गया, ठीक बात है कि नहीं, स्क्वेयरिंग बहुत साइड किया, कॉस स्क्वेयर का वैल्यू आ गया। यहाँ से साइन को लिया, ये वाई अपॉन बी आ गया, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दिया, इन दोनों को हमने सम कर दिया, तो साइन स्क्वेयर जमा कॉस स्क्वेयर आपका क्या होता है बेटा, 1 आंसर आएगा। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत प्यारा बहुत शानदार क्वेश्चन है, बताइए जल्दी से जल्दी। मैंने पहली क्लास में ये इसकी ट्रिक दी थी मैंने इस टाइप के क्वेश्चनों की, बताइए। ये टाइमर लगाता हूँ इस क्वेश्चन के लिए, जल्दी से जल्दी स्पीड के साथ। शाबाश 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 शाबाश, उड़ाइए 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 उड़ाइए, शाबाश 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 शाबाश। बहुत बढ़िया, इतनी देर में क्वेश्चन हो जाता है। मैंने बताया था बेटा ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका क्या है, देखिए मुंह जवानी उड़ा दिया, गर्दा मचा दिया, शाबाश 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 शाबाश। देखो भाई, जैसे साइन थीटा और कॉस थीटा के इक्वल टू में ये दे रखा है, तो मैं यहाँ पे बच्चे थीटा का वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा, मैंने क्या किया सर, थीटा का वैल्यू मैंने 90 पुट कर दिया। जैसे मैं 90 पुट करूंगा सर, साइन 90 का मतलब क्या होता है, साइन 90 का मतलब सर आपका 1 होता है, कॉस 90 का मतलब क्या होता है सर, 1 होता है, 1+1 बराबर आपका 2 आ जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, 1+1 बराबर जिस वैल्यू को पुट करने पर कहने, अरे गर्दा मचा दिया, गर्दा 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 गर्दा, तो यहाँ पे भी 90 रख दीजिए, यहाँ पे भी 90 रख दीजिए बच्चे, यहाँ पे भी 90 रख दीजिए, तो 90 रख दोगे, 1 1 की पावर 100 कर दो, यहाँ पे 1 1 की पावर 100 कर दो, 1 की पावर 100 1 होता है, 1+1 और आंसर क्या आ गया, 2 आंसर आ गया, बताइए जय महाकाल।
कितना देर लगा क्वेश्चन करने में? जैसे आसान सवाल आप पकड़ते हो ना तो उस पर ऐसे छक्का मारते एकदम जैसे, मतलब आसान क्वेश्चन तो आपके लिए ये समझिए कि बाउंसर एकदम ऊपर से छक्का मार दिया एकदम जो है। चलो हमें इस बात का बड़ा खुशी होता है, दबा के लाइक कर दिया करो इसी बात पे। हाँ देखो मैंने ये ट्रिक आपको सिखाई, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बच्चों ने क्वेश्चन को देखते मुंह जवानी उड़ा दिया कि यहाँ पे हमने थीटा का वैल्यू 90 पुट किया, जैसे ही 90 हमने रखा सर यहाँ पे वैल्यू ये वैल्यू 1 हो गया, ये 1 हो गया और 1+1 LHS RHS के बराबर हो गया, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे, वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी 90 की, यहाँ पे रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा, 90 का यहाँ पे रखेंगे 1 रखेंगे, 1 की पावर 100 कितना आ गया आंसर 2 आ गया। मजा आ जाता है जब आसान क्वेश्चन आप करते हैं सर, मजा आ जाता है। एक आसान क्वेश्चन करते हैं तो बहुत मजा आता है, 2 सेकंड में उड़ा दिया क्वेश्चन को है, बहुत बढ़िया शानदार एकदम जो है, तुम्हारा भी जलवा है मेरे लाल, तुम्हारा भी जलवा है एकदम जो है। एक क्वेश्चन करना, 10 की पावर 10 थीटा प्लस cot थीटा, 10 थीटा बराबर cot थीटा बराबर 2, इसी टाइप का क्वेश्चन आया था पेपर में, और फाइंड 10 की पावर दे रखा था n थीटा और cot की पावर भी n थीटा था, भाई बताइए अब जल्दी से क्या होगा, 10 की पावर n थीटा cot की पावर n थीटा का मान क्या होगा बताइए। ऑप्शन यही है आपके सामने जो ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आप ये ले सकते हो, ये चारों ही ऑप्शन है इस क्वेश्चन के भी जो है, इस क्वेश्चन के भी ये चारों ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन ये चारों हैं, क्वेश्चन ये था आपका, ध्यान से देख लीजिए ऑप्शन ये चारों हैं, सवाल नंबर 2 आप इसको जल्दी से करके देखिए इस क्वेश्चन को, n है n, उड़ाइए थोड़ा सा जल्दी स्पीड के साथ। हाँ ये 10 थीटा ये दे रखा है, 10 थीटा प्लस cot थीटा का मान 2 दे रखा है, आपसे पूछा है 10 की पावर n थीटा ये n और cot की पावर ये n थीटा का मान क्या होगा, यहाँ पे कोई पावर n नंबर ऑफ टर्म्स पावर हैं, उड़ाइए शाबाश, गर्दा उड़ना चाहिए, गर्दा जलवा होना चाहिए हमारे बच्चों का। हाँ भाई अरे शाबाश, आग लगा दिए शाबाश। देखो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का ये सबसे आसान तरीका है जो मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे आसान तरीका, थीटा का ऐसा मान रखो जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, अगर 45 में थीटा का रखता हूँ तो 45 का मान ये 1 होता है, इस 45 का मान भी कितना होता है 1 बराबर में 2 बराबर 2, कंडीशन सेटिस्फाई, जिस वैल्यू को पुट करने पर लेफ्ट राइट के बराबर आ जाए, LHS RHS के बराबर आ जाए, उसी को हम सवाल में पुट कर देते हैं, सवाल आपका ये दे रखा था, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू सर मैंने 45, हमने क्या पुट किया बेटा, थीटा का वैल्यू 45 पुट किया बेटा, थीटा का वैल्यू 45 रख देंगे तो 45 रखने पर आप समझ पा रहे हैं बेटा इसका वैल्यू 1 की पावर n करो, यहाँ 1 होगा 1 की पावर n, 1 की पावर कुछ भी करिए हमेशा 1 होता है, और 1+1 आंसर 2 आ गया, 1 का पावर कुछ भी करिए हमेशा बच्चा 1 होता है, और 1+1 क्या आ गया, 1+1 बराबर आंसर 2 आ गया। गर्दा वर्दा उड़ा के नहीं उड़ा, जय महाकाल, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। देखिए आप लोगों के आशीर्वाद से भैया मेरे को जो मैराथन का जो गोल्ड मेडल मिला है आज, तो मुझे बड़ी फख्र का, बहुत ही मेरे लिए एक दे कहते हैं कि बहुत ही बेहतर दिन है आज का जो है, ये सब आप लोगों के आशीर्वाद से हुआ है, मैं दोबारा से आप लोगों के लिए मैराथन को कमबैक करूंगा आप लोगों के आशीर्वाद से भैया, हम जल्दी ही गोल्ड प्राप्त कर लिए, पहले सिल्वर मिला था अब आपने गोल्ड दिलाया है, तो आपकी कमिटमेंट है कि जल्दी ही सैटरडे को मैं 12 घंटे की आपके लिए मैराथन लेके आऊँगा बेटा, ठीक है। अब इस चैनल पर देखो तुरंत 9 बजे आपका सी एच एस एल का जो पेपर है ना मेरे बच्चों, देखो सी एच एस एल का जो पेपर है वो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, जल्दी से जल्दी आ जाए आज, जिन जिन बच्चों का सी एच एस एल का पेपर हुआ है, हाँ ये 9 बजे इस चैनल पर, ये चैनल देख रहे हो स्पीड मैथ, इस चैनल पर पेपर तीनों शिफ्ट में पेपर हुआ है, पहली शिफ्ट में दूसरी शिफ्ट में और तीसरी थर्ड शिफ्ट, जो तीनों शिफ्ट में पेपर हुआ वो पेपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो स्पीड मैथ, ये चैनल है आपका अपना चैनल है, इस पर मैं स्पेशल क्लास लेता हूँ, इस चैनल पर आ जाइए, पूरा पेपर डिस्कस करूँगा तीनों शिफ्टों का, CHSL का जो पेपर हुआ है वो तीनों पेपर का डिस्कस इस पे करूंगा बेटा, जल्दी से जल्दी इस चैनल पे आ जाइए, ठीक है। और ये आपके लिए SSC मेंस का बैच मैंने चला रखा है, SSC मेंस का बैच आप लोग ले सकते हो, जो मेंस का रिवीजन बैच चला हुआ है, जो मेंस का टारगेट कर रहा है, ठीक बात है। ये रेलवे के लिए एक मैंने स्पेशल बैच चला रखा है, इस बैच को आप ले सकते हो, रेलवे के लिए स्पेशल बैच मेरे प्यारे बच्चों, बहुत प्यारा शानदार बैच है, ठीक है। इसका एक साल का जो सब्सक्रिप्शन है वो आपका 5400 का है, ठीक है। एक साल का सब्सक्रिप्शन आपका 5400 का है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से देखिए इस बात को, ये 5400 का है, जब आप मेरा ये कोड लगाओगे धांसू सर, मेरा कोड लगाओगे DHASU धांसू SIR सर, ठीक है। हाँ भाई
बहुत बढ़िया, शानदार 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 शानदार। कैसे खरीदोगे? इंस्टॉल करोगे अन अकेडमी ऐप को, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, एसएससी एग्जाम पे जाओगे, दलवीर नागर मेरे प्रोफाइल पे फॉलो करोगे, यहाँ पे आपको दिख जाएगा कॉम्प्रिहेंसिव बैच। कॉम्प्रिहेंसिव बैच पे जैसे आप क्लिक करोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक साल का सब्सक्रिप्शन ले लेना, क्योंकि एक साल तक मेरा जितना भी कोर्स आएगा सब आपको, 6000 रुपये का कोर्स है, 600 रुपये का डिस्काउंट, जब आप मेरा कोड लगा दे तो 5400 का आपको पड़ेगा। बहुत शानदार कोर्स है, इससे बढ़िया कोर्स नहीं मिलेगा। जल्दी से जल्दी स्पीड में चैनल को सब्सक्राइब करिए, आ जाइए, मैं जल्दी से 9 बजे से पेपर डिस्कस करूंगा। थैंक यू मेरे प्यार बच्चों, जय हिंद जय भारत। सेशन अच्छा लगा तो कल इंतजार करिए, कल बेहतरीन इससे धाकड़ क्वेश्चन लेकर आऊंगा, क्योंकि मजा जब आता है जब हम धाकड़ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बेटा इसी के साथ अलविदा लेना चाहता हूँ, जय हिंद जय भारत जय महाकाल। अच्छा लगे तो बेटा दबा के लाइक शेयर करके जाना है।